यो 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 भाई लोग, कैसे हैं आप सभी? और आप सभी लोग देख रहे हैं आपका अपना आरिश खान, और ये है हॉरर सीरीज। इस सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है, और आज हम करेंगे एक बहुत ही खतरनाक। एंड गाइस, इस ये करने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। और मेरे पास है आज लैम्बोर्गिनी हुराकन के आप सभी लोग जानते हो ना, और ट्रेवर भैया कितने बड़े फ़ैन हैं लैम्बोर्गिनी हुराकन के, तो हम सब फ़ैन ही हैं, ठीक है। एंड बहुत लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो लाइट हाउस है, यहाँ पर ये जो लाइट हाउस है ठीक है, यहाँ पर ये जो फार्म के लोग हैं ना, इनका कहना है कि इस वाले आइलैंड पर जहाँ पर हमने मार्क लगाया है, ये मैंने कहा नेविगेशन से पता रहेगा, ठीक है, हमने यहाँ पर मार्क लगाया, तो यहाँ के लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर ना कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई देती हैं रात के समय, पेड़ के ऊपर बैठी हुई और बहुत तेज़ तेज़ रोने की चिल्लाने की आवाज़ वहाँ से सुनाई देती है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। तो गाइस अभी फ़िलहाल वहीं जाना है यार, अभी रात का टाइम हुआ, उन्होंने कहा कि तुम रात को जाना और हम वहाँ पर नहीं होंगे। मैंने कहा ठीक है चलो, मैं जाकर खुद देख लूँगा, आपको दिखाने कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो इंडिकेटर फ्रंट में ही है मेरी गाड़ी के, चलो बढ़िया। चलो अब हमें वहीं पर चलना है दोस्तों। अब वहाँ पर चलने के लिए सबसे पहले तो मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है वो, इसलिए ये वाला केस मेरे पास आया। अगर ज़्यादा दूर होता ना, फिर घंटा मेरे पास ही केस आता भी ना, मुझे पता है। लैम्बो रात को बहुत अच्छा हो देती है, मैं इसको दूसरे मोड पे चला रहा हूँ, रेसिंग मोड पर ही। दूसरे रोड से लो क्या ले लेता हूँ अभी, तो फिलहाल यार कोई से रोड का बस कुछ पता ही नहीं, जिस रोड में से जाना है उसी रोड पे चलते हैं अभी, क्योंकि भाई फिलहाल तो देखो बहुत ही आराम आराम से चलना है। अभी ज़्यादा एकदम वो करोगे ना तो भाई कुछ होना होगा, तो नहीं भी होना होगा ना तो भी हो जाएगा, अगर हमारे साथ कुछ नहीं भी होना होगा ना फिर भी हो जाएगा, इसलिए आराम आराम से चलते हैं भाई हम तो। इधर ही है ना, इधर का इंडिकेटर दो अपना आराम से। आप गाइस यहां से होता है डेंजर एरिया शुरू, यहां पर लोग ना कैंपिंग करने आते हैं। मैं आपको दिखाऊं कौन सा एरिया है, यह लाइट हाउस मैं आपको अगर नहीं भी दिख रहा होगा ना, वेट आई विल शो यू, यह है नाइट हाउस, लाइट हाउस है दोस्तों ये एरिया, अपनी लैम्बोर्गिनी हुराकन। इस रोड पर बेसिकली बहुत ही कम लोग दिखते हैं, और ये भी इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो कुछ जंगल वंगल के उसमें आते हैं, तो दो रास्ते कटते हैं यहाँ से, हमें जिधर जाना है ये रास्ता आगे जाता है दोस्तों। मैं आपको दिखाऊँ ये रास्ता आगे जाकर ना यहाँ से इस पर मिल रहा है, तो ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। चलो मैं आगे चलकर ही आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है, पहले इस वाले रोड पर ही। यहाँ पर लोगों को आना जाना लगा ही रहता है। अरे आराम से भैया जी, बिल्कुल हमारे बीच में घुसोगे क्या? लग तो ऐसे ही रहा है कि बिल्कुल हमारे बीच में घुसने के इरादे से आए हो भैया, मुझे भी बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच में घुसने के इरादे से आए। खैर चलो कोई बात नहीं, ये लिखा हुआ है बिल्कुल सीधा हाईवे, तो यहाँ से वो है, तो जितने लोग होते हैं इस टाइम तक सब निकल जाते हैं। फिलहाल अब भाई सुनसान हो जाता है, आगे से एरिया है, इस एरिया पर कोई आता भी नहीं, बहुत कम ही लोग मिलते हैं, और रात के इस वक्त तो बस वो जो ड्यूटी व्यूटी के थे उनके वो ही हो गया यहाँ पर, क्योंकि आगे से पूरा कच्चा एरिया है। तो क्या है, लकड़ी वकड़ी पड़ी है भाई, भाई फटती भी है दोस्तों ऐसी जगह जाते हुए कसम से। देख रहे हो, ओ शायद हिरन भाग रहे थे, ये फॉर सेल है, और वहाँ हल्की सी लाइट जल रही है, चलो मैं उतर के दिखा देता हूँ, ये फॉर सेल है, ठीक है। अगर किसी को ख़रीदना है तो भाई आ जाना ख़रीदने, कार तो खड़ी रहने दो, हम चलते हैं सीधा जंगल में। कहा सांप वाप भी होते हैं ना दोस्तों,
तो इसलिए आराम आराम से रैटल स्नेक्स वगैरह भी निकल आते हैं यहाँ पर। देख देख कर ही चल रहा है भाई हम तो सड़क पे। ये क्या है? मैं अभी डर गया, मैंने कहा खून पड़ा है। चलो लोग तो होते हैं बेसिकली। आज है नहीं क्या कोई? इस टाइम होना तो चाहिए। ओके गाइस कुछ दिख रहा है, ये क्या चीज़ है? ओके स्पेसशिप का पार्ट था ये तो। मैं भाई डर गया, मैंने कहा भाई किस चीज़ की आवाज़ आई थी। तो पानी में जा रहे हैं रास्ता, ठीक है चलो ऊपर। बढ़िया भयंकर है भाई। चलो सीधा। तो यहाँ पर क्या है? बेसिकली रात को तो चांदनी होती है, ठीक है। और वो जो चीज़ बताई जा रही है वो है हमारे बिल्कुल सीधा ही इस वाले इस पे। तो वो सामने वो जो वो है ना उस पे जाना पड़ेगा, हमें तैर कर ही जाना पड़ेगा भाई, उससे तो जा नहीं पाएंगे हम। अब मुझे लगता है कि भाई कुछ होता भी होगा वहाँ पर, वह खुद ही बना रहा है बंदा, या हो भी सकता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली दोस्तों, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, अभी तो कुछ कहा भी जा सकता। फिलहाल कोई लोग तो अंधेरा भी देख के डर जाते हैं, अभी ट्रैवर जैसे तो नहीं क्योंकि भाई ये यहीं के रहने वाले हैं तो डरते नहीं। खैर ऐसे वैसे किसी चीज़ से। अभी टाइम जो है रात के 2-2 बज रहे हैं, सुबह तो हो ही जाएगी मुझे सब देखते देखते। चलो गाड़ी में बैठो। चलो बस गाइस इस टाइम तो यहाँ पर कोई मिलेगा भी नहीं, रात हो चुकी है वैसे भी। बढ़िया यहाँ से हाईवे स्टार्ट हो जाता है। और ये जो कहानी जो बताई जा रही है वो है लाइट हाउस की। ये तो सैंडी शोर से जा रहा है रास्ता, गेट भी है सैंडी शोर्स। हमें जाना है उस तरफ जिधर का इंडिकेटर दे रहा हूँ ना मैं, हमें मुड़ना इस तरफ था। वो तो सीधा मैं सीधा बस आपको दिखाने के लिए गया था कि यहाँ पर भी कोई चीज़ है। तो गाइस इस घर में वो पूरी फैमिली रहती थी भाई, अभी वो यहाँ पर छोड़ गए, उनके बच्चे की साइकिल ही है, ठीक है। ये इस घर में जो फैमिली रहती थी उस फैमिली का ही कहना है। दारू की बोतलें किसने रखी है यहाँ पे? ओह शिट, होगा तो होनी घर में, कोई नहीं है। ओह दारू की बोतल फोड़ दी ड्राइवर ने। चलो है तो है नहीं कोई, बताए वो चीज़ किधर जाती है, आओ दिखाते हैं हम आपको। ये नीचे से इसके लिए उतरता है रास्ता। मुझे पानी में दोस्तों तैरना तो देखो पड़ेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए पानी में तो तैरना पड़ेगा ही मेरे को। चलो कोई बात नहीं, अपुन गाइस सब कुछ कर सकता है रे बाबा, अपुन सब कुछ कर सकता है, अपुन खतरों का खिलाड़ी है रे बाबा, अपुन खतरों का खिलाड़ी है। हम पानी के नीचे कोई दोस्तों होके जाने वाले हैं कि अगर मुझे तो पहले तो मुझे तो ऐसा लगा कि वहाँ पर कोई गुंडे वुंडे होने वाले हैं भाई, जो इनके इनसे खाली करवाने के ये घर वर खाली करवाने के चक्कर में इनसे इनसे इनको डरा वरा रहे हैं, इसलिए मैं पानी के नीचे जाऊँगा ताकि मैं उनको दिखूँ भी ना अगर इस टाइम पर वहाँ पर होंगे भी तो। ठीक है दोस्तों चलो। वैसे आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर के जैसा बताया गया है ऐसा कुछ होने भी वाला है, आई डोंट नो। पानी में मच्छी वच्छी होगी तो मार मुर के खा लेंगे,
बोट भी तो नहीं है कि बंदे भाई कोई बोट ही रख ले अब देखने के लिए, ऐसी चीज़ को देखने के लिए। फिर रात को मैं जा रहा हूँ वो भी पानी के रास्ते से, दोस्तों कोई बंदा ना जाता, कोई भी बंदा ना जाता, देख रहे हो। वो खैर बोट खड़ी है यहाँ पर, एक बोट तो है, बोट तो है दोस्तों यहाँ पर, एक बोट है दोस्तों यहाँ पर। यार दोस्तों ये बोट है किसकी, देखो जरा पीछे ऊपर थी क्या बोट है? ओह माय गॉड, ये तो हवा में उड़ रही है। हवा में है क्या बोट ये? आई डोंट नो। चलो मैं अपनी टॉर्च निकाल लेता हूँ, मुझे टॉर्च की ज़रूरत है यहाँ पर। चलो बढ़िया, चलते हैं अब, देखते हैं भाई कहाँ उसको क्या दिख रहा था। ओह माय गॉड भाई, लोग रोंगटे देख रहे हो कैसे खड़े हो गए, सामने ही देखते क्या चीज़ है। ओहो अबे, तो पेंगुइन है ना मेरे ख्याल से, ऐसे ही है दोस्तों पेंगुइन, कुछ नहीं है ऐसे ही है। मैं तो डर गया, मैंने सोचा पता नहीं कैसा पेंगुइन है यार ये, ये मुझे ऐसा लग रहा मूर्ति है बस, ये कुछ नहीं है। पीछे मुड़ के तो देख रहा मेरी तरफ साले, नहीं 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 ओ भाई क्या है ये, और कुछ तो है नहीं ना बेटा। ये क्या है, भे गई शक्ल देख रहे हो उसकी, भयंकर शिट यार साले, हाँ तो चार पांच भूत हैं बे। मैं तो सोच रहा था भैया क्या हो रहा है भैया, व्हाट हैपेंड भाई, शिट दोस्तों, बे बे हाथ कहाँ है, माय गॉड भाई ये जगह मेरे को सेफ नहीं लग रही है दोस्तों, मेरे को माइकल वहीकल के साथ भी आना पड़ेगा यार यहाँ पर, तो यहाँ भाई अकेले आना भाई खतरे से खाली नहीं है। चलो भाई चलो चलो भाई, गाइज अब आप बोलोगे भाई ट्रैवर की फट गई, हाँ भाई मैं तो सीधा बोलूँगा भाई ट्रैवर की फट ही गई है यार भाई। गाइज यहाँ पर रात को अकेले आना भाई खतरे से खाली नहीं है दोस्तों, अभी फ़िलहाल मेरे को इस काम के लिए अपने साथ माइकल को और फ्रैंकलिन को भी लेकर आना पड़ेगा भाई, अकेले के बस की बात नहीं। मैं तो पहले ही सोचा था, मैंने कहा भाई कुछ नहीं वो तो अच्छा हुआ, यहाँ पर ये जो भी थे इन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं, अगर कुछ कह देते हो तो भाई मैं तो सुसू कर देता भाई, यही कहीं सच बता रहा हूँ तुम्हें। अब डर भी लग रहा है भाई, अब लगना स्टार्ट हुआ है डर, सच बताऊँ तो तुम्हें यार। अब बस किसी तरह अपने घर पहुंच जाऊं यार मैं, अब तो घर की याद आ रही है बस। बस अब तो फटाफट तैर के दोस्तों अपने घर जाना है, जल्दी से इस एरिया से निकल जाऊं एक बार, बस ये पानी में से तैरना तो मेरे को हो गई, अगर गाइस नहीं तैरूंगा तो फिर भाई मैं यहाँ से निकल भी नहीं पाऊंगा। ओह माय गॉड क्या देख लिया यार आज मैंने दोस्तों, यार आपने शक्लें देखी कितनी ज़्यादा डेंजरस डेंजरस थी भाई साहब। ओह शिट चलो भाई जल्दी चलो, ये सीढ़ी जाती है ना गाइस, वो आइलैंड पे ना पक्का कुछ ना कुछ चीज़ है, वो ऐसी खतरनाक चीज़ है दोस्तों, वो जो जिसको हम भी नहीं ऐसे भगा सकते। शिट अबे लैम्बोर्गिनी कहाँ गई यार, गाइस मेरी लैम्बोर्गिनी कहाँ गई। शिट देखो जरा रात के
23 बज के कैब वाले को फ़ोन करता हूँ, कैब आ सकती है क्या? कैब आ जाए। I need a cab pronto. I'm sending one out right now. Much obliged. यार गाइस देखता हूँ अभी तो आ भी पाए क्या नहीं कैब। OMG भाई गाइस वो बिल्कुल सामने स्ट्रेट दिख रहा है मुझे वही वाला आइलैंड। और गाइस यहाँ से टैक्सी में बैठ के भाई मैं सीधा निकलता हूँ अपने घर की ओर और पहले टैक्सी वाला आ तो जाए भाई, बहुत टाइम लगेगा। इससे अच्छा तो मुझे इस घर में ही रुक जाता हूँ आज रात में, क्योंकि लैम्बोर्गिनी तो पता नहीं कहाँ चली गई यार, करोड़ों की कार थी मेरी, कोई फ्री की नहीं थी। मैं तो उसको भी देख कर डर गया, लोगों ने सब्जी वब्जी उगाने के लिए क्या खड़ा कर रखा है। ओह माय गॉड, छोड़ो गाइस। सो गाइस आज मैं इसी घर में यहीं पर रुकने वाला हूँ, दूध वालों के घर में ही। और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई। मैं कल जो है माइकल दादा और उनके साथ यहाँ लास्ट में आके ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ, उनके साथ ये जो चीज़ ख़त्म करने वाला हूँ दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, और सुबह ही जैसे वो आएंगे मैं उनको यहीं पर बुलाऊंगा, ठीक है, और शेयर कर दें आप दोस्तों के साथ। तो या गाइस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।